नवी मुंबई एमआयडीसी क्षेत्रात असणाऱ्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचा कर पालिकेला वसूल करण्याचा अधिकारच नाही असा पवित्रा काही वर्षांपूर्वी स्मॉल स्केलवाल्यांनी घेतला होता. याची न्यायालयीन लढाई ते हरले होते. मात्र या इंडस्ट्रीकडून होणारी कर वसुली अद्यापही पाहिजे तशी होत नाही. मात्र आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यावर शहराच्या विकासात महत्वाचा असलेल्या कर वसुलीवर त्यांनी भर दिला. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीलाही कर भरण्यास सांगण्यात आले. मात्र तरीही कर न भरणाऱ्यांचे बँक खाते सील ठोकण्यात आले याबाबत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या कारखानदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वतःची भूमिका मांडली होती. याबाबत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नवी मुंबई आवाजच्या बातोबातो में या कार्यक्रमात सविस्तर माहिती देत कर वसुलीत अजून कडक धोरण होणार असल्याची माहिती दिली आहे. और जब आपने इंडस्ट्री इस्टॅब्लिश की थी उस टाइम भी ये टैक्स था. आप इस्टॅब्लिश करने के बाद टैक्स आया ऐसा कुछ नहीं, सेस तो पहले से ही था. तो ये तो मनमानी कौन कर रहा है वो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सब कंसेशन देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद, हाईकोर्ट ने डिसीजन देने के बाद ये पे नहीं कर रहे और आप बोल रहे कि आप सुनते नहीं हो. लॉ है, क्लियर है. हम लोगों ने ये, मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट पहले करना चाहिए था, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ. टैक्सेशन भी बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको पावर दी गई है, वो टैक्स अरियर्स है ये अब तक दे दो. वो नहीं दिया तो उसके बाद आपका अकाउंट सीज किया जाता है, उसके बाद नहीं तो आपके डेटर्स के अकाउंट सीज किए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं तो आपके प्रॉपर्टी ऑक्शन की जा सकती है. ये प्रोसीजर है, ये लॉ है. तो मैंने पहली स्टेप लिया है अभी कि उसका अकाउंट सीज किया है. उनके बाद अगर बोलते कि हम नहीं देंगे तो हम उसका डेटर्स का अटैच सीज करेंगे. उसके बाद की नहीं बोलते तो उनके प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, वो ऑक्शन कर देंगे. कर रूपात मिळणाऱ्या पैशातूनच शहराचा विकास करता येणे शक्य आहे. प्रत्येक वेळेस अनुदानावर अवलंबून राहणे शक्य नाही. मात्र ही कर वसुली नियमाप्रमाणे होणे गरजेचे आहे असे सर्वसामान्य नागरिकांना वाटते. कॅमेरामन सूरज भगत सह मोहिनुद्दीन जेड्डी यांचा रिपोर्ट.